सत श्री अकाल दोस्तों, साडा टीवी यूएसए देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। असी हाजिर होए तुहाडे लई लैके वड्डियां खबरां दा विशेष बुलेटिन। ऑस्ट्रेलिया दे शहर सिडनी च बनेगा सिख स्कूल। ऑस्ट्रेलिया तो सिखां वास्ते चंगी खबर आ रही है जी। ऑस्ट्रेलिया च वसदे पंजाबियों लई खुशी की खबर है कि सरकार ने देश का पहला सिख स्कूल पछमी सिडनी में बनाने की प्रवानगी दी है। राज के प्लानिंग और जनतक थावना संबंधित विभागों के मंत्री राब स्टॉक्स ने दसिया कि न्यू साउथ वेल्स राज सरकार वालों सिख ग्रामर स्कूल रोजी हिल विखे टैलावोंग सड़क पर बनाया जाएगा। इस स्कूल में विद्यार्थियों को किंडरगार्डन तो लैके 12वीं जमात तक पढ़ाई करने का मौका प्रदान किया जाएगा। कांग्रसी विधायक ने सूबा सरकार और पुलिस के विरोध सदन अंदर उतारी कमीज। कर्नाटक विधानसभा च वीरवार को एक वक्रा नज़ारा देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक बी के संगमेश्वरा ने राज सरकार खिलाफ विरोध दर्ज करवाउंदिया अपनी कमीज उतार दी। कांग्रसी विधायक ने विधानसभा में राज सरकार और पुलिस खिलाफ अपने और उसके परिवारक मैंबर कुछ समर्थकों खिलाफ दर्ज एफ आई आर लैके प्रदर्शन किया। एफ आई आर भद्रावाठी में एक प्रोग्राम के संबंध में दर्ज की गई थी। मैट्रोमैन मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने तो पलटे केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस ने ली चुटकी। केरल विधानसभा चोणों में भाजपा के मुख्यमंत्री के अहदे लिए उम्मीदवार मैट्रोमैन ई श्रीधरन होणगे या नहीं, इस बारे सस्पेंस बनया हुआ है। केंद्रीय मंत्री भी मुरलीधरन ने कहा है कि पार्टी ने अजे मुख्यमंत्री अहदे के उम्मीदवार बारे कोई फैसला नहीं लिया है। इस तो पहला ही मुरलीधरन ने कहा सी कि केरल भाजपा ई श्रीधरन जी मुख्यमंत्री अहदे के उम्मीदवार वजों पेश करके केरला चोणां लड़ेगी। असी केरला के लोगों को भ्रिष्टाचार मुक्त और विकास पक्षी शासन देने सी पी आई एम और कांग्रेस को हरावांगे। इस बयान तो कुछ घंटे बाद एक स्पष्टीकरण में केरल भाजपा के सबका प्रधान मुरलीधर ने कहा, मैं जो दसना चाहता सी वो ये कि मीडिया रिपोर्टों के जरिए मैनू पता लग्या कि पार्टी ने ऐलान किया है। इस तो बाद जब मैं पार्टी के मुखी को पूछा तो पता लग्या कि अजिहा कोई ऐलान नहीं किया गया। 31,000 करोड़ के अनाज खरीद के मामले से घटिया राजनीति ना कर जाखड़ श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल ने अज पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि वह घटिया राजनीति ना कर। उन्हां दी आदत है कि झूठे दोष लाने मगरों जो साबित करने की वारी आती है तो भज जाते हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान वालों विरसे 31,000 करोड़ रुपए का अनाज खरीद मसला मिलन के दिते बयान से प्रतिक्रम दिंदिया सबका मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह 2004 की कांग्रेस सरकार वेले तो इकट्ठा हुंदा आ रहा मसला सी। हैरानी वाली गल है कि जाखड़ ते कांग्रेस पार्टी इस मामले में हमेशा दोगला स्टैंड अपनाते रहे हैं। असाम चोणों नूं लैके बीजेपी हाईकमान की बैठक 92 सीटों पर लड़न का फैसला। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुंडुचेरी तो इलावा असाम विच भी चोणों दीआं तरीखां का ऐलान हो गया है। बीजेपी हाईकमान राज के चोण माहौल नूं वेखदे हुए काफ़ी पहला सरगर्म हो गया सी, जिस वजह नाल पी एम मोदी, अमित शाह, बीजेपी प्रधान जे पी नड्डा ने पहला ही उत्थे का दौरा कर लिया। हुण नवीं दिल्ली विच बीजेपी के सीनियर नेता प्रदेश कार्यकारी के नाल चोण रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस दे तहत वीरवार शाम बीजेपी हैडक्वार्टर विच एक अहम बैठक हुई। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी हिंसा मामले में मृतक किसान को ही भेज दिता नोट्स। बड़ी अजीबोगरीब खबर आ रही है जी। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी हिंसा के मामले में कार्रवाई करने एक नवी ही मिसाल पेश कर दी है। पुलिस ने पंजाब के एक अजिहे किसान ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा संबंधी कानूनी नोट्स भेज दिता है जिसकी मौत हो चुकी है। दसनयोग है कि जगीर सिंह किसान तो 26 जनवरी हिंसा में शामिल भी नहीं होया सी। इसकी मौत तो 31 दिसंबर में ही हो चुकी थी। इस बारे दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि इस तो स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ किसानों तंग परेशान करने लिए अजिहियां कार्रवाइया कर रही है। नवदीप के साथी शिव कुमार को भी मिली जमानत, जेल तो होया रिहा। मजदूर कारकुन नवदीप कौर के नाल गिरफ़्तार किए गए साथी शिव कुमार को भी तीजे केस में जमानत मिल गई है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कोशिशों सदका शिव कुमार जेल तो देर शाम सोनीपत जेल विचों रिहा हो गया। इस दौरान DSGMC के प्रधान श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ते होर अहुदेदार उसकी रिहाई मौके विशेष तौर पर सोनीपत जेल के बाहर पहुँचे। खेती कानून मुलतवी करने के प्रस्ताव से जवाब देन किसान, गलबात लई सरकार तैयार, तोमर। नवे खेतीबाड़ी कानूनों नूं लैके किसान संगठनां ते सरकार विचाले जारी विरोध के जल्दी खत्म होने आसार नहीं दिख रहे हैं। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खेतीबाड़ी कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों नाल गलबात करने लई तैयार है, पर उन्होंने अजे सरकार के प्रस्ताव से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार अते किसान नेतावां विच हुण तक 11 दौर की गलबात हो चुकी है पर इसका कोई सिट्टा नहीं निकलिया है। दोस्तों, ये सन दिन भर दीआं वड्डीआं खबरां। हर रोज़ तुहाडे लई खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाजिर हुंदे रहांगे। तुसीं जुड़े रहो साडे चैनल नाल। तद तक लई सत श्री अकाल।